मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जिन्होंने बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया आते ही, यदि कैबिनेट तुम इंजा से लाए हो, पांच सूबों को एक एक दो दो वजीर दे के बाकी सब इंजा से लाए हो, ब्यूरोक्रेसी इंजा से लाए हो, जबान जो उर्दू हम बोले वो भी तुम इंजा से लाए हो, और बंगाल में जाकर कहता है बंगालियों को तुम्हारी उर्दू जबान में से बंगाली ने कहा लैंग्वेज खुदा का खौफ करो पागल का बच्चा। असल में उसको इस मुल्क की एबीसीडी का पता नहीं था। और दौलत ही कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, उस दौलत का सर क्या करना जिसका आप इस्तेमाल ना कर सके, उस सारे माल का आपने क्या करना है जिसमें आप रह नहीं सकते। मैंने एक सारे माल की मुझे क्या ताल्लुक, मुझे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं सारे माल से। जो आवाम आपको इज्जत देते हैं और जो आवाम अपना दिन और रात आपके लिए लगाते हैं, क्या उससे बड़ी कोई चीज आपको मिल सकती है? कुछ नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो क्या ये आप अपने बेटे को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि दौलत ही कोई चीज नहीं? साहबजादे को इंसान तब समझा सकता है कि जब छोटा होता है, जब वो बालिग हो जाए, तीन बच्चों का बाप हो जाए, वो खुद मुख्तार है। मैं उसको न पाले उसकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता हूँ, न उसके कारोबार में करता हूँ। आपके बेटे का और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का झगड़ा क्या बचपन से चला आ रहा था? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं था, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे बाबू, वो तो बाहर चला गया, उस वक्त उसका कोई तल्लक नहीं था। बात यह है कि उसको तो आयशा वाले ले आए, आयशा वाले लड़ाया, आयशा का काम था, उसको मरवाया आयशा वालों ने। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे को आईएसआई वाले पाकिस्तान लेके आए? जी। क्या ये बात पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के इल्म में थी? जी। क्या उनको इस फैसले से इख्तलाफ था? नहीं नहीं, उसको मना किया कि मत आओ बाबा, हालात ऐसे नहीं हैं। किसने मना किया? बेनज़ीर ने, मेरे ख्याल में जो मुझे इल्म है। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपको 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसान बजा देंगे। आपको आवाम की मोहब्बत की सलाह दी गई, कातिल कातिल मुशर्रफ, कातिल 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 या अल्लाह या रसूल। जान लो इन रगों में सदर जरदारी का खून है, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, अगर हमें बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। आपका बलबाप बचेगा, हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचे कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखून लो, ये जो आप उत्पाद जाके एहतजाज करें जो उनको रहा कर सकते हैं।